मोहम्मद उवैस ढोराजी गुजरात। दोनों उसी का है। मेरा सवाल है कि एक आदमी गवर्नमेंट में काम करता है लेकिन दाढ़ी मुंडवाता है और नमाज का पाबंद है, तो क्या ऐसा शख्स अजान व इकामत कह सकता है या नहीं? दाढ़ी रखने से उसको जॉब में यानी मुलाजमत में तकलीफ होगी। वह स्कूल और वो स्कूल का टीचर है जहां बहुत सारे स्टूडेंट गैर मुस्लिम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाढ़ी रखना फर्ज या वाजिब है, इसलिए इसके बारे में कोई ऐसा उज्र के जो उज्र शरई नहीं है, ये मकबूल नहीं कि मैं फलां जगह टीचर हूँ, फलां शोबे में काम करता हूँ, आदमी अपनी टीचरी के बगैर भी जिंदगी बसर कर सकता है। भले यह है कि कुछ तंगी माश हो, मगर टीचर के लिए इस्लामी शियार और इस्लामी रविश को तर्क करना दुरुस्त नहीं है। टीचर बनने के लिए चाहे वहाँ पर स्टूडेंट मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इसका भी कोई वो नहीं। अलबत्ता इस्लाम के आकाम की पाबंदी हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, इसलिए उसको दाढ़ी रखनी ही चाहिए। अब रह गई अजान व इकामत की बात, तो उसका जवाब यह है कि दाढ़ी मुंडाने वाला या कतरवाने वाला फासिक़े मुअज़्ज़िन है। फासिक़े मुअज़्ज़िन की अजान भी मकरूह और इकामत भी मकरूह। अगर उसने कर दी तो उलमा फरमाते हैं कि उसका इआदा कर लिया जाए, इसलिए उनको इससे परहेज रखना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम।